Hey guys, Adnan Farooq here, adnanfarooq.com and you know I'm all about simplicity, but I'm also about quality nutrition to optimize performance and health. Now, you want to stay updated with my YouTube channel, subscribe on the channel and press the bell icon so jab jab ab videos updates sign to up notification hajai, as well as jo Facebook, pe hai, Adnan Health Coach, as well as Instagram. So I want you to stay updated with all the information that I intend to benefit you with. Today's video is sponsored by Katamita, and they have presented a wonderful array of vegetables, and that's what the topic is about. Nutrition, ka jo sabse bada aspect hai aur jo sabse bada dilemma, bhi main hun, wo vegetable intake. Hai. If you've been following me for some time, you know that I'm all about using food as medicine. Yani दवाइयाँ बड़ी जल्दी खाते हैं और सोचे बगैर खाते हैं उसका उनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं ये एक अलहदा कहानी आई डोंट वांट टू गो दैट डिटेल इंस्टेड ऑफ दोज मेडिसिन वाई नॉट हैव फूड्स नेचुरल स्टफ दैट इज गोइंग टू हेल्प अस इन फाइटिंग सो मेनी इलनेसेज इन इम्प्रूविंग इम्यूनिटी एंड हेल्थ एंड बूस्टिंग मेटेबलिज्म मल्टीपल वंडरफुल बेनिफिट्स एंड दैट्स वॉट वी आर डूइंग हेयर आज की वीडियो पिकल्स के ऊपर है अचार और आप ये कलरफुल अरे देख रहे हैं तो इसके अंदर इतनी सब्जियां हैं कि मुझे लिखना पड़ा है लिटरली बिकॉज मैं आई कुंड मेमोराइज ऑल ऑफ देम तो वैसे तो मैं आपसे सारी डिटेल में शेयर करूंगा कि क्या क्या है बट टू बी ऑनेस्ट मैंने ये वीडियो बनाने से पहले ये ट्राई की एंड देन आई आस्क देम के यू नो आई वॉन्ट टू शेयर Uh, this, uh, the, these, these pickles with my audience because I want them to know the benefits. So, before I talk about the different varieties presented, start noting the benefits, and they are really, really powerful. Or you note: what benefit is pickles? The first is that you get a tasty alternative to consuming vegetables. सब्जियां खाना एक मसला है आप उसको uh, सौते कितनी दफ़ा करेंगे कितनी दफ़ा आप उसको कच्चा कच्चा तो वैसे ही बंदा खाता है घबराता है और सो so, इस तरीके से आपकी वेजिटेबल्स की कंजम्पशन काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है सो द फर्स्ट बेनिफिट इज़ दैट यू गेट योर वेजिटेबल इनटेक इन अ वेरी टेस्टी एंड डिलिशस मैनर आई थरली इंजॉयड इट दैट्स द फर्स्ट वन द सेकेंड वन इज़ विच इज़ रियली रियली ह्यूज इज़ दैट दीज फूड्स contain pro probiotics. Probiotics uh, uh, supplement form में भी आते हैं और probiotics का benefit क्या है कि वो gut health को improve करते हैं uh, and a lot of people have gut health gut issues कि वहाँ पे gut के level पे जब inflammation होती है तो उसका brain health के साथ भी ताल्लुक है, उसकी food की digestion के साथ भी ताल्लुक है, उसका auto immunity के साथ भी ताल्लुक है, उसका metabolism के साथ भी ताल्लुक है मल्टीपल लेवल्स के ऊपर गट हेल्थ की इम्पोर्टेंस है और प्रोबायोटिक्स जो हम खाते हैं वो जो गट एरिया में जहाँ पे खाना डाइजेस्ट होता है वहाँ पे हेल्दी बैक्टीरिया की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना होता है दैट इज़ वॉट प्रोबायोटिक्स आर फॉर एंड पिकल्स आर नेचुरल वंडरफुल सोर्सेज एंड टेस्टी सोर्सेज ऑफ प्रोबायोटिक्स सो वी नीड टू एड दैम इन टू आर डाइट आई स्टार्टेड इट फॉर अ फैक्ट एंड आई एम प्रटी श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल टू ये दूसरा बेनिफिट था तीसरा ब्लड शुगर फ्रेंडली है ये विनेगर में बने हुए हैं और विनेगर का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इट हेल्प्स रिड्यूस ब्लड शुगर और ब्लड शुगर का बढ़ना आजकल दिस इज कॉमन आई गारंटी आज आप जाके अपना फास्टिंग शुगर चेक कराएंगे ना तो मोस्ट पीपल आर समवेयर अराउंड द बॉर्डर लाइन एंड दैट इज नॉट ओनली अ हेल्थ रिस्क बट ऑल्सो वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ होमोन इम्बेलेंस एंड वेट गेन सो वेन यू आर कंज्यूमिंग दीज

इट्स फैंटास्टिक उसके बाद फिर ये वाला आ रहा है एंड दिस वन इज़ लहसन और मिर्च है और और लहसन का गार्लिक का तो बेनिफिट एंटी इन्फ्लामेट्री आई I मीन mean उसके ऊपर तो लिटरेचर ही भरा हुआ है कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं तो ये भी आ रहा है फिर उसके बाद इमली आ रहा है सॉरी uh, अच्छा ये है मैंगो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन विच इज़ विच इज़ ऑल्सोज वेरी टेस्टी उसके बाद देन देर इज़ दिस इंटरेस्टिंगली दिस इज़ मिक्स वेजिटेबल्स और इसके अंदर uh, आप देख रहे हैं गाजर भी आ रही है uh, शलजम है और गोभी है आई I मीन mean, मैंने uh, इस तरह की जो uh, अचार है वो खाया नहीं है तो यूजली गोभी खाना आई डोट नो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इज अ प्रॉब्लम बट द वे दिस इज दिस इज प्रजेंट इन द वे आईव हैड इट मैंने तो ये तकरीबन आधा खा लिया था वन आई हैड माई लंच सो आई एल स्पीक फॉर माई सेल्फ आई थिंक इट विल वर्क फॉर मी एंड देन आई हैव वी हैव टीडा हेर यू नो मैंने कभी सुना ही नहीं था कि टीडे का अचार भी होता है तो टींडा वैसे मैंने कभी शायद बहुत कम खाया हो आई बिन प्रीचिंग लॉट आई एल बी ऑनस्ट बट एज सच कभी खाया नहीं है तो टीडा भी आज मैंने खा लिया वो पिकल्ड फॉर्म में आई थरली इंजॉयड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट घिया भी आ रहा है ये भी पिकल्ड फॉर्म में है तो आप ये देख रहे हैं कि इतनी सारी सब्जियाँ जिनको मैं पहचानने में, में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी खा तो मैंने सारे लिए लेकिन आई मीन दिस इट्स अ वंडरफुल अरे सो कमिंग बैक टू द पॉइंट गाइज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकलिटी फॉर हेल्थ एंड हेल्थी वेट लॉस बेनिफिट्स और वो तब होंगे कि जब आपकी डाइट के अंदर वो चीजें uh, आपको देर नॉट वेइंग यू डाउन दे टेस्टी दे डिलिशियस यू इंजॉय दैम एंडट्स वॉट द होल थिंग इज अबाउट सो परस्यूइंग अल्थी लाइफ स्टाइल इज नॉट डिफिकल्ट इट्स जस्ट हाउ यू अप्रोच इट जितना आप इंटेलिजेंटली उसको अप्रोच करोगे जितना प्रैक्टिकल और टेस्टी बनाओगे उतना ही आपके सस्टेन करने के चांसेस हैं एंड ऑब्वियसली बेनिफिट्स लाइन कंसिस्टेंसी सो गाइस आई होप यू इंजॉय दिस वीडियो एंड आई आई डू होप फॉर योर सेक एंड स्पेशली कीपिंग इन माइंड द बेनिफिट्स यू विल थरली बेनिफिट फ्रॉम दिस अरे द वे आपको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है खाने का मुझे तो बहुत मज़ा आया आई एम प्रटी श्योर जब आप ट्राई करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिट यू फॉर माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ Do stay tuned, I'll come up with new content. Thank you.